नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शिविंग चैनल। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ, आज मुझे जुकाम है तो मेरी आवाज आपको कुछ अलग लगेगी। आज हम यूज करेंगे विलीज को चौथी बार। ओके, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। आइए आज की शेष शुरू करते हैं। दाढ़ी जो है वो अब लगभग हफ्ते भर की हो गई है, एटलीस्ट 5 दिन तो आई एम श्योर की उतनी ग्रोथ तो है। अब विलीज को हमें यूज करना है चौथी बार, एंड डेफिनेटली दोस्तों 4 बार यूज कर लिया तो शार्पनेस में थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका शार्पनेस थोड़ी सी कम होगी। उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ रोमर 7 रिगालिया, जो कि एक एफिशियंट रेजर है और जो मीडियम एग्रेसिव है, लेकिन जो काफी अच्छे से परफॉर्म करती है। मेरे को अभी तक कोई शिकायत इससे नहीं हुई, तो मैं यूज करूंगा और कुछ और प्रोडक्ट यूज करूंगा। एंड ऑल्सो लेट्स लादर अप। तो आप जानते हैं कि कुछ समय पहले जो है वो मेरा कलकत्ता जाना हुआ था कुछ काम से, एंड आई वाज लकी टू मीट अबीर लस्कर फ्रॉम nemoshaving.in और कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज। तो आई वाज यू नो वेरी थैंकफुल टू अबीर फॉर शेयरिंग सम सैंपल्स। तो ये शमामा शेविंग सोप का सैंपल है। ओके, ब्रश पर्ल का, ये वेलवेटी ब्रिसल्स वाला। ओके, 229 रुपीज में अवेलेबल है। लिंक्स वगैरह तो मैं शेयर कर दूंगा सारे प्रोडक्ट्स की आपसे, बट या दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, अब ये सोप इस तरीके का है, एंड इसको जो है वो अब आप जानते हैं कि हम फेस लैदरिंग तो इससे नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं इससे ड्राई सोप से खुशबू लेने की कोशिश करता हूँ। या तो जो शमामा होता है उसके बेस में कैसा एक कैम्फरी ओक मॉस जैसा एक इफेक्ट होता है वो इसमें मुझे महसूस हो रहा है, वो भी जुकाम होने के बावजूद। बट उसकी जो सटलिटीज है वो मैं अभी आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द कोल्ड, बट आई कैन डेफिनेटली फील दैट ओक मॉस एंड स्लाइटली कैम्फरी इफेक्ट। तो शमामा का जो नाम इन्होंने दिया है वो सही लग रहा है मुझे। यस, एंड इट्स मोर लाइक अ सोपी शमामा। ऑफकोर्स इट्स अ शेविंग सोप, तो सोप का भी एक अपना फ्रेग्रेंस पे इम्पैक्ट रहता है, तो वो भी इस पर डेफिनेटली है। बट या शमामा के इसमें बिल्कुल प्रॉपर्टीज मुझे महसूस हो रही है फ्रेग्रेंस वाइज। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इसका छोटा सा एक टुकड़ा लूंगा। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा टुकड़ा लूंगा, एंड दिस इज अ बिट सॉफ्ट सोप, तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा क्रम्बल हो जाता है। ओके, सो आई विल टेक अ वेरी स्मॉल सैंपल एंड आई विल सी हाउ इट लादर्स अप। नाउ जो मैं इसमें सैंपल लूंगा वो मैं वापस तो रीयूज नहीं कर पाऊंगा। नाउ लादर को कुछ इस तरीके से मैंने चिपका लिया है शेविंग बोल में, एंड आज बोल लादरिंग करेंगे एटलीस्ट टू जनरेट लादर, एंड देन विल सी। एंड जितना मैंने यूज किया है दोस्तों ये थोड़ा कम ही लेने की कोशिश की है मैंने, बट देखते हैं कैसा लादर प्रोड्यूस होता है, बिकॉज जो ये शेविंग बोल में आ गया अब वो वापस से उसमें तो नहीं जा सकता। ओके, सो देख लेट्स सी हाउ मच लादर इट प्रोड्यूसेस एंड क्या रिजल्ट मिलता है। सो लेट्स लादर अप। सोप को मुझे थोड़ा और प्रेस कर लेना चाहिए था, बिकॉज वो प्रेस ना करने के कारण क्या हुआ ना, वो थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है बोल में इधर उधर, तो उससे लादरिंग में हल्की सी डिफिकल्टी हो रही है, बट दैट्स लाइक अ टेक्निकल प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। द सोप और द ब्रश और द बोल हैव नथिंग टू डू विद इट। ओके, या बट लादर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, कुछ इस प्रकार का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सोप जो है वो दिख रहा है हमें। ओके, ओके, सो नाउ जो ओक मॉसी और कैम्फरी सा इफेक्ट है शमामा का वो अच्छे से उभर के आ रहा है। आई कैन फील दैट क्वाइट नाइसली, ऑल्दो स्टिल इट इज सोपी शमामा एंड बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। इट इज देयर टू मेक यू फील गुड, लाइक यू नो अ स्पाइसी एरोमा अराउंड यू। ओके, सो इस तरीके का लादर प्रोड्यूस हुआ। अभी भी सोप कुछ बचा हुआ है। ओके, देख सकते हैं हम यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो थोड़ा सा पानी चेहरे पे ऑफकोर्स, एंड नाउ जितना सोप कलेक्ट हुआ है ब्रश में बोल से वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, एंड जरूरत पड़ेगी तो हम और भी कलेक्ट कर लेंगे।
लगभग हफ्ते भर की बियर्ड ग्रोथ है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो लादर कवरेज है थोड़ा अच्छा ही रहे तो अच्छा होगा, मतलब थोड़ा डेंस रहे, थोड़ा प्रोमिनेंट रहे, स्टेबल रहे। ऑफ कोर्स कैपिटल नेमो शेविंग सप्लाईज के सोप्स काफी स्टेबल है, विच इज गुड। या नाउ इट फील्स लाइक अ वेरी वेरी नाइस क्वालिटी शमामा, श्योरली। यप, नाउ द स्पाइसेस आर यू नो, या फिर शायद माई नोज इज एबल टू कैप्चर इट नाउ बिकॉज ऑफ द कोल्ड, बट आई कैन श्योरली फील द शमामा इफेक्ट नाउ, वेरी नाइस। एंड मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस इसमें यूज किया है वो हायर देन मीडियम क्वालिटी है। एक बेसिक क्वालिटी शमामा आता है दोस्तों, जिसमें सिर्फ मौसी मौसी इफेक्ट्स मिलते हैं, कोई ज्यादा स्पाइसेस की इफेक्ट उसमें नहीं मिलता, बट दिस हैज मॉस एज वेल एज स्लाइटली कैम्फरी एंड स्लाइटली स्पाइसी। स्पाइसी इफेक्ट तो अभी मुझे महसूस होना शुरू हुआ है। ओके, सो लादर तो अच्छा लग रहा है। ओके, दिस इज हाउ इट इज सो फार। एंड जितना ज्यादा टाइम इसको हम चेहरे पे रखेंगे उतना ज्यादा ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। नाउ यू मे हैव नोटिस कि मैंने पेंटिंग मोशन ही यूज किए। जब भी मैं बोल लादरिंग यूज करता हूँ या बोल लादरिंग करता हूँ तो मैं पेंटिंग मोशन ही जनरली अप्लाई करता हूँ चेहरे पे। ओके, सो विलीज ब्लेड ऑन यूज नंबर फोर, आई एम सॉरी, विलीज ब्लेड ऑन यूज नंबर फोर एंड रोमर सेवन रिगालिया। देखते हैं कि आज का हमारा रेजर ब्लेड कॉम्बिनेशन जो है उसका असेसमेंट कैसा बैठता है। पहले जो है वो कल में थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, स्लिकनेस, या इट इज बेटर देन यू नो नॉर्मली जो ब्रांडेड शेविंग सोप्स अवेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट जैसे अर्बन मूच हो गया, हजामत हो गया, उनके तो स्लिकनेस काफी अच्छी है। लेकिन या इट इज मोर और लेस यू नो बेटर देन योर बजट क्वालिटी शेविंग क्रीम्स वगैरह से, तो काफी अच्छा स्लिकनेस है, एक ग्लाइड भी महसूस हो रहा है। ना ये सब दोस्तों मैं अपने असेसमेंट के हिसाब से बताता हूँ, बट फॉर यू टू असेस फॉर योर रिक्वायरमेंट्स आपको यूज करके ही देखना पड़ेगा, तभी आप डिटरमिन कर पाओगे। ओके, ऑलराइट, ऑफ कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं लेने की छोटे छोटे स्ट्रोक्स, दैट मेक्स सेंस टू कीप द एज क्लीन एंड रेडी टू शेव द विस्कर्स वेरी इफेक्टिवली। ओके, नाइस, सो फार सो गुड।
अब जो है वो टेस्ट एक्चुअल होगा। ऑल राइट, सो चीन एरिया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखते हैं कि आज का हमारा रेजर ब्लेड कॉम्बिनेशन का असेसमेंट कैसा बैठता है। अभी तक जो है वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के शेविंग हो गई वन पास विद द ग्रीन। ओके, अभी लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा पानी अप्लाई करके सिर्फ चेक करता हूँ कि स्लिकनेस कितनी है। ओके, सो स्लिकनेस आई वोंट से दैट बहुत ज्यादा कोई स्लिकनेस प्रेजेंट है, लेकिन इट इज सफिशियंटली स्लिक सो दैट पानी अप्लाई करके मैं थोड़ा सा एटलीस्ट शेव कर पाया। बट इफ आई हैव टू शेव कंप्लीटली देन मैं वापस से लादरिंग करके एंड देन आई वुड शेव अगेन। आई थिंक फॉर टूडे दिस मच शेव इज सफिशियंट फॉर मी। आई जस्ट वॉश माई फेस और फिर चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ। ऑल राइट दोस्तों, सो व्हाइल आई वॉज वॉशिंग माई फेस मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एक दो जगह एक आध दो बाल रह गए एंड इट्स परफेक्टली फाइन। मुझे पता है कल मुझे वापस शेविंग करना है फॉर माई पर्सनल रीजन्स। ओके, सो दैट बींग सेड, आज की शेव जो है आई एम सफिशियंटली हैप्पी अबाउट इट। सफिशियंटली हैप्पी समथिंग न्यू, आई एम हैप्पी अबाउट इट। चेहरा जो है वो ड्राई फील नहीं हो रहा, बट कोई ओवरली मॉइस्चराइज भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। अब टू चेक द फीडबैक ऑफ रेजर ब्लेड कॉम्बिनेशन आई एम गोना यूज एलम। ओके, एरोमा वाला, एरोमा वाला डॉक्टर प्लस का भी आता है, इजिली अवेलेबल होता है जनरली केमिस्ट की स्टोर पे, किराना शॉप्स वगैरह। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रहा तो glowshines.com पे तो आपको डेफिनेटली एलम मिल ही जाएगा और काफी सारे और प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। आप लेना चाहें तो वहां से जरूर लेने का ट्राई कर सकते हैं। ऑल राइट, बस शमामा की खुशबू अभी भी हल्की हल्की आ रही है, विच इज आई एम लाइकिंग, विच इज वेरी नाइस। सो बहुत अच्छा खुशबू वाइज तो यार शेविंग तो बहुत अच्छा था एंड आई लाइक। एंड फॉर मी पर्सनली इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स टू डिटरमिन द लाइकलीहुड ऑफ हाउ मच मोर आई एम गोइंग टू यूज दैट शेविंग सोप। बट फ्रेग्रेंस इज नॉट एवरीथिंग, परफॉर्मेंस ऑल्सो मैटर्स। ये दोनों चीजें हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी फैक्टर ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, नाउ हल्का सा मुझे इधर टिंगल लग रहा है विच आई न्यू बिकॉज जब मैं रेजर ब्लेड से यहाँ पे शेव कर रहा था तो मुझे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा एक रेजिस्टेंस महसूस हुआ एंड कुछ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टिंगल महसूस हो रहा है। अदरवाइज तो मुझे कोई खास टिंगल या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग, इरिटेशन नहीं है। वन पास विद द ग्रेन इज द मोस्ट मिनिमली इरिटेबल शेविंग टेक्निक एंड विच गिव्स अ क्लीन लुक। यार बहुत दूर आप खड़े रहते तो आपको क्लीन शेव ही दिखता है, इतनी पास में आके कौन चेक करेगा कि भाई कितना स्टबल है। हाँ है, वी नो है, बट वी नो है तो डिपेंड ऑन यू। अगर आपको करना है बहुत ज्यादा क्लीन तो फिर आप कर सकते हैं, कैन डेफिनेटली डू इट। नाउ आई कैन कीप इट लाइक दिस बट आई एम गोना अप्लाई अ मॉइस्चराइजर टुडे, बोरो प्लस का ये सॉफ्ट आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम। ओके, थोड़ा सा ही अप्लाई करूंगा, लगभग इतना, शायद थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, बट या नाइस, बहुत बढ़िया। दिस इज नेक्स्ट बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश द फायर तो बहुत अलग लेवल का आफ्टर शेव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई कैन यूज इट 12 मंथ्स, बिल्कुल 12 ही महीने यूज कर सकता हूँ मैं उसको। एंड इट बेसिकली यू नो काइंड ऑफ रिप्लेसेस द बाम्स फॉर मी विच आर वेरी वेरी हाईली मॉइस्चराइजिंग। मुझे उतनी ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है। दिस ऑल्सो वर्क वेरी वेल, दिस वन इज नेक्स्ट बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय रुबामिन। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्लेड की। सो यार दोस्तों आज जो है वो चौथी शेव थी बिलीज की, तीन शेव बहुत अच्छी हुई।
आज की शेव भी मैनेजेबल थी, आई वुड से इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री एंड स्मूथ, बट आई नो कि नाउ इट्स शार्पनेस वुड गो डाउन। अब यार मैं यू नो और एग्रेसिव रेजर्स यूज करके इसको पांचवी और छठी शेव भी इससे मैं निकाल सकता हूँ, या रिगालिया के साथ में यूज करके आई थिंक वन पास विद द ग्रेन मैं कर सकता हूँ, बट दिस हैज डिलीवर्ड वॉट इट इज मेंट फॉर, ओके, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो आज की अब जो है वो आई विल कंक्लूड इट फाइनली कि चार शेव्स अच्छे मिले, ओके, आप थ्री एंड हाफ भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज वी जस्ट डिड वन पास विद द ग्रेन, सो इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द लास्ट थ्री शेव्स विद रिलीज, बट थ्री एंड हाफ शेव्स एट दिस प्राइस आई डोंट फील एनीथिंग यू नो कंसर्निंग अबाउट इट, मुझे तो खुशी है, सो वेरी हैप्पी विद दिस ब्लेड एंड विलीज यार हैज परफॉर्म कंसिस्टेंटली ऑलवेज। टाइम विल टेल वेदर इट वुड कंप्लीटली रिप्लेस द जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड और नॉट, बट इसका परफॉर्मेंस मुझे एट पार विथ जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड लगता है। आई वुड नॉट इवन शाय अवे टू से कि इसका शार्पनेस जो फर्स्ट शेव पे है वो विल्किंसन स्वॉर्ड से हल्का सा मुझे ज्यादा लगता है, सो दैट इज माई असेसमेंट अबाउट विलीज ब्लेड एंड आई एम लाइकिंग दिस ब्लेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट्स इट दोस्तों, यप, सो कंक्लूजन ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ विलीज एंड सम अदर प्रोडक्ट्स, नाइस शेव, एंजॉयड अ लॉट, आई होप आपको भी मजा आया होगा, कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार।